हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको अपने वीडियो में पार्टी वेयर डिज़ाइनर ब्लाउज बनाना बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसकी कटिंग हमने अपने पिछले वीडियो में की थी, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो ये हमने दो हिस्सों में कटिंग किया है, दो कलर में किया है। तो सबसे पहले पीछे जो हमने दो हिस्से काटे हैं उसे हमें नीचे से जोड़ना है आधे इंच की सिलाई लगाकर। और उसको हमें फोल्ड कर लेना है ताकि पट्टी नहीं लगानी पड़े। और चारों तरफ से भी अस्तर के साथ में इसको अटैच कर लेना है सिंपली। तो ये ग्रीन वाला हिस्सा हो जाएगा। रेड वाले हिस्से को भी हमें इसी तरह से करना है। नीचे सिलाई लगानी है सबसे पहले और उसको हमें फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले एक सिलाई अस्तर पर। जब हम अस्तर पर एक सिलाई लगा देते हैं तो फोल्ड आसानी से हो जाता है फिनिशिंग के साथ में। तो ये रेड वाला हिस्सा है और ये चीज़ जो है एक बर्ड जो है वो हमें करना है इस पर, जो हमने कटिंग में बताया था। तो ये देखिए, एक इंच इसको बढ़ाया हुआ है, तो हम बुकरम को भी थोड़ा बहुत बढ़ा के ले लें। कम ज़्यादा होगा तो हम उसको वापस से कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चार्ट पर हमने कटिंग की थी फर्मा कटिंग, तो उसमें से ये बर्ड कटिंग कर लेना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और दूसरी साइड में ये चीज, तो इससे मैंने बुकरम कटिंग की है, इसको भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया हल्का सा। ये जो दोनों चीज़ें हैं वो गले पर सेट होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा ले लिया है, अगर कम ज़्यादा होगा तो हम उसको कटिंग कर सकते हैं बाद में भी। तो ये प्रेस से मैंने दोनों को गोल्डन कलर के कपड़े पर चिपका लिया है। अब देखिए, गले पर ये सेट हो, उस तरह से हमें इस पर अटैच कर लेना है। अब देखिए, इसकी चोंच हमें बनानी है तो उसके लिए तिकोना कपड़ा यूज़ किया है। और उसके बाद हमें लगानी है लेस। लेस जो है गले को छोड़ते हुए हमें लगानी है। अब दूसरी साइड में हमें देख मैच करके देख ले आप, उस हिसाब से इन पंख को चिपकाना है। थोड़ा सा हमने बड़ा कटिंग किया था, साइड से निकल जाएगा। तो ये दोनों ही गले पर हमने इस तरह से लगा लिया है। अब जो रेड कलर है वहाँ पर हमें ग्रीन की पाइपिंग लगानी है। तो मैंने एक इंच की ओरेब ले ली है अब क्योंकि डिज़ाइन है तो मैं पट्टी को पहले इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं तो पाइपिंग लगाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो आधा इंच हमने इसको फोल्ड कर लिया।
अब हम इसको सीधे तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे, जितना बारीक आपको करना है उस हिसाब से। अब जो ग्रीन कलर था उस पर रेड की पाइपिंग इसी तरह से लगानी है हमें। यहाँ पर जो हमने पाइपिंग लगाई है उसका मुंह जो है हमें थोड़ा बंद करना है। अब देखिए, जब हम ये सेट करें दोनों हिस्सों को, तो अपना जो नाप है वो आपको देखना है कि हमारा जो हमने कटिंग किया था वो नाप क्या था, उस अकॉर्डिंग हमें इसको पिनअप करके और उसके बाद सिलाई लगानी है। अब देखिए, कोई रेड कलर का आपके पास बटन या बीट वगैरह जो भी है वो आप आंखों की जगह पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, सिंपल सी डिज़ाइन भी है, आप आसानी के साथ बना लेंगे। अब देखिए, मैंने अस्तर के साथ में हर पार्ट को अटैच कर लिया है, और लगभग मेरे सभी वीडियो में मैंने अटैच करना बताया है, तो इस बार मैं नहीं बता रही हूँ। और जो डार्ट है वो हमें लगानी है, डार्ट लगाने से पहले एक सिलाई ज़रूर चला लें उस पर दोनों को अटैच करके, तो ये पफ बन जाएगा। उसके बाद ये हमारा नीचे वाला बेल्ट, इसे भी हमने नीचे से फोल्ड कर रखा है। आप चाहें तो बेल्ट पर इस तरह से एक सिलाई चला सकते हैं। तो दोनों पार्ट इसी तरह से हमें तैयार करने हैं। उसके बाद लगानी हमें हुक पट्टी। राइट हैंड में हुक लगाती हूँ मैं, तो ये देखिए गले के साइड में आपको तिरछा लेना है, 1/4 इंच ज़्यादा लेना है गले के साइड से, क्योंकि जब हम हुक पट्टी जो हम डार्ट भरते हैं हुक पट्टी वाली, तो उससे थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो वो गला लूज़ रहता है। तो इस तरह से आप जब लगाएंगे पट्टी तो गला बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आई पट्टी को भी इसी तरह से लगाना है गले के साइड में, 1/4 इंच छोड़ते हुए। और इस पट्टी पर आप चाहें तो दो सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, दोनों जो डार्ट है और जो बेल्ट जोड़ा है वो निशान बराबर है, और पट्टी भी बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो आप कट करके बराबर कर सकते हैं। अब इस पर लगानी हमें पाइपिंग, तो 1 इंच की ओर ये पट्टी है ये। मैं पाइपिंग दो सिलाई में लगाती हूँ, पहली सिलाई जो मुझे बाद में निकालनी है। आप अपने हिसाब से जो तरीका आपको अच्छा लगता है पाइपिंग का, उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो दोनों पर हमें पाइपिंग लगानी है। उसके बाद शोल्डर जोड़ने हमें,
ये देखिए स्लीव, स्लीव पर मैंने फ्रिल लगा ली है। फ्रिल लगाना तो सबको आता ही होगा, तो वो जो झालर है वो लगा ली है मैंने अस्तर के साथ में अटैच करते हुए। अब यहाँ से हमें स्लीव जोड़नी है। स्लीव को भी आप नाप लें और जहाँ हम जोड़ने वाले हैं दोनों पार्ट आगे पीछे वाले, उनको भी नाप के उसके बाद स्लीव लगाएं, ताकि फिटिंग के वक्त जो है आगे पीछे का भाग जो है कम ज़्यादा नहीं होगा। पीछे डार्ट, तो ये डार्ट लगानी है हमें 1/4 इंच की। और अब हम करेंगे फिटिंग। तो सबसे पहले 1 इंच की सिलाई से हम शुरू करेंगे। तो दोनों साइड में ही 1-1 इंच की सिलाई लगाने के बाद हम अपनी कमर नाप लेंगे, जिस नाप से हमने ब्लाउज कटिंग किया है। 32 हमारी कमर थी, यानी कि 33 होना चाहिए हमारे पास पट्टी के साथ। तो अब हमारे पास है 35, यानी कि 2 इंच, यानी आधा आधा इंच जब हम और लगाएंगे तो हमारा ब्लाउज जो है वो फिटिंग हो जाएगा। ये देखिए हमारी कटिंग की जो निशान है लगभग वहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी फिटिंग हो जाएगी ब्लाउज, और उसके बाद आप 1-2 सिलाई और लगाकर इसको कर लें। और दोनों साइड से भी अगर आपके पास पीकू अवेलेबल नहीं है तो भी आप सिलाई लगा के फोल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आप आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।